वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बड़ो को नमस्ते छोटो को हेलो हर हर महादेव। तो गाइस आज मैं लेकर आ गया हूँ आपको केदारनाथ। केदारनाथ की हसीन वादियाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं मेरे साथ आए हैं हेमंत बिष्ट, सूरज सांगा और गणेश सिंह। तो ये दिन आगे आगे चल रहे हैं, मैं इनके पीछे पीछे चल रहा हूँ। अभी रामबाड़ा से हम निकल चुके हैं तो ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, तो सांस काफ़ी ज़्यादा फूल रही है और यहाँ का शानदार नज़ारा आप देख सकते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरी सेल्फी स्टिक इनके बैग में रह गई थी और मैं काफ़ी जल्दी आ गया था, तो आते समय ब्लॉग नहीं बना पाया। अब स्टार्ट कर रहा हूँ केदारनाथ जाकर, मैं आपको वहाँ की सुनहरे मंदिर हसीन वादियाँ दिखाने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं। तो गाइस इतना बड़ा झरना आपको केदारनाथ वाले रास्ते में मिलेगा, आप देख सकते हैं ऊपर काफ़ी बड़ा झरना है। वाह, और इतनी बड़ी चट्टान। अब हमें जाना है यहाँ से। तो गाइस हम ऊपर की ओर बढ़े और देख सकते हैं आप बादलों में लहरते हुए पहाड़। वाह, एक रास्ता यहाँ से जा रहा है और एक रास्ता यहाँ से, ये शॉर्ट रास्ता है, इससे हम सीधे ऊपर पहुँच जाएंगे बोले तो ऊपर वाले रोड पे। तो आप ऊपर देख सकते हैं हिमालय, बर्फ से ढके हुए हिमालय। वाह, शांति तो यहीं पर ही मिलती है। चलो फिर चलो। तो गाइज मुझे हेलीकॉप्टर में चढ़ने के लिए इन लोगों का आईफोन बेचना पड़ेगा। इन्होंने काफ़ी मेहनत के पसीने जमा कर करके ये आईफोन ख़रीदा है और मैं उसे बेचकर हेलीकॉप्टर में चढ़ते हुए नीचे को आऊँगा, काफ़ी अच्छा महसूस होगा। क्या आप इसमें मेरी सहायता करेंगे संगा भाई? तो गाइस केदारनाथ यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी में है और हम चल रहे हैं ऊपर की ओर बादलों के बीच। तो गाइस अभी यहाँ से कम 4 किलोमीटर और बचा हुआ है और हम चढ़ रहे हैं ऊपर की ओर। देख सकते हैं आप काफ़ी सामने हिमालय के करीब आ चुके हैं हम और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कुछ लोग सुबह की आरती से वापस आ चुके हैं यहाँ पर। और बादल जो है ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं अपने पैरों से। बहुत धीरे चल रहे हैं बादल, बेचारे बादल भी थक जाते होंगे ऊपर आते आते। तो सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पर ये लगी कि आप चढ़ नहीं सकते हैं तो घोड़े में आ सकते हैं। घोड़े में आइए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, और पालकी में आइए, बहुत सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर। तो हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं। तो गाइस अभी बज रहा है 12 और सुबह हम चले थे 8:30 बजे। तो मतलब मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, मैं काफ़ी थक चुका हूँ, पसीने से तरबर हूँ और जो साथ वाले हैं पीछे से आ रहे हैं आप देख सकते हैं पीछे। तो 1 किलोमीटर रह चुका है केदारनाथ और अभी हम नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, तो केदारनाथ के रास्ते का आप खूबसूरत सा नज़ारा देख सकते हैं गाइस। जो श्रद्धालु हैं वो आते हुए जाते हुए, ऊपर सांस फेरने में काफ़ी परेशानी हो रही है, मतलब हम जमीनी सतह से काफ़ी ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर कैंप लगाकर लोग रह रहे हैं। तो काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा है देख सकते हैं आप। तो यार 20 किलोमीटर चलना मतलब ऊंचाई में
काफ़ी मुश्किल होता है, तो हम तो चढ़ ही चुके हैं और काफ़ी जल्दी चढ़े और यहाँ पर आके काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस। अब मैं जाकर भोलेनाथ की भक्ति में लीन हो जाऊँगा। बस भक्ति है तभी तो शक्ति है। तो गाइस फाइनली हम केदारनाथ पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं यह है केदारनाथ। लोग इस तरीके से आए हुए हैं, इस तरीके से लाइन में लगे हुए हैं और भोलेनाथ के भजन जो हैं धमाकेदार बज रहे हैं गाइस। तो यहाँ पर भजन कीर्तन होते हुए हर हर महादेव। ये केदारनाथ का मंदिर और यहाँ पर एक बाबा जी आप देख सकते हैं बिल्कुल भक्ति में लीन। जय हो महादेव। गाइस फाइनली हमने केदारनाथ के दर्शन कर लिए हैं और यहाँ पर जो लाइन लगी हुई है वो दो दो तीन तीन दिन से लाइन लगी हुई है। काफ़ी लोग दूर दूर से आए हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं भगवान शिव के दर्शन करने के लिए और उनकी भक्ति में लीन हो चुके हैं लोग। और आप देख सकते हैं केदारनाथ बाबा जी मतलब भोलेनाथ के भजन कीर्तन लगते हुए यह है सिद्धार्थ दुर्ग। काफ़ी लोग दूर दूर से आए हुए हैं, काफ़ी सुनहरा नज़ारा है गाइस। बादलों के ऊपर जो ये मंदिर है देख सकते हैं आप, बिल्कुल आमने सामने बादलों से ढका हुआ और इसके ऊपर हिमालय पर्वत। तो यह है केदारनाथ के पीछे का हिस्सा गाइस, आप देख सकते हैं पीछे जो आपदा आई थी ऊपर से इस तरीके की नीचे को। और भगवान शिव का मंदिर को उस टाइम पे कुछ भी नहीं हुआ था, जो पत्थर है पत्थर वैसा का वैसा ही है, जो पीछे वाला पत्थर है आप देख सकते हैं। तो यह है वो पत्थर सामने दिख रहा है जो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बाबा जी भक्ति में लीन होते हुए गाइस यह है वो पत्थर और इस तरीके से यह है केदारनाथ का मंदिर। काफ़ी पुराना मंदिर और काफ़ी रहस्य भरा मंदिर है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पर। मेरी ये ब्लॉग आपको काफ़ी अच्छी लगी हो तो भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी। मेरा चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं। हर हर महादेव। चलते रहेंगे, मिलते रहेंगे नए नए ब्लॉग। गाइस हम लाइन में लगे हुए हैं, भोलेनाथ का प्रसाद थोड़ी सी दूरी में मिलने वाला है और भूख भी काफ़ी लगी हुई है। प्रसाद खाकर थोड़ा सा भूखे मिटाएंगे और देख सकते हैं काफ़ी लंबी लाइन है। हर हर महादेव। काफ़ी स्वादिष्ट प्रसाद है यहाँ पर।